धार्मिक नगरी उज्जैन में खाटू श्याम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य अन्नकूट छप्पन भोग का आयोजन। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। धार्मिक नगरी उज्जैन वैसे तो बाबा महाकाल के नाम से जानी जाती है, लेकिन यहाँ पर खाटू श्याम भगवान का जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसी क्रम में उज्जैन के राम महल दरबार पर स्थित खाटू श्याम मंदिर पर खाटू श्याम भगवान का जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। यहाँ पर बाबा को छप्पन भोग अन्नकूट एवं भंडारे का आयोजन किया गया। यहाँ पर आयोजित भजन संध्या में भक्तों ने नृत्य की प्रस्तुति के माध्यम से बाबा श्याम का जन्म दिवस मनाया एवं भोजन प्रसादी ग्रहण की। यहाँ आपको बता दें कि बाबा श्याम को कलयुग का अवतार माना जाता है। यहाँ पर भगवान खाटू श्याम का आकर्षक श्रृंगार कर महाआरती की गई। मंदिर में अंजनी सखी नीतू दीदी बाबा साहब द्वारा हर मंगलवार शनिवार को यहाँ स्थित गढ़ के बालाजी धाम पर भक्तों की दुख का निवारण किया जाता है। यहाँ पर देश विदेश से भक्त अपनी समस्या लेकर आते हैं और उसका निवारण पाते हैं। यहाँ स्थित गढ़ के बालाजी मंदिर पूरे उज्जैन में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। वर्ष भर यहाँ पर कई आयोजन किए जाते हैं। यहाँ पर अंजनी सखी नीतू दीदी बाबा साहब से आज के आयोजन के बारे में चर्चा की गई। उज्जैन से नीलेश मालवीय की रिपोर्ट। आयोजन हुआ है, आप कहाँ से आए और यहाँ किस प्रकार के वर्ष भर आयोजन होते हैं? यहाँ हमारे गुरुदेव नीतू दीदी हैं, उनका ये दरबार है और यहाँ कल 11 को हमें पता है कि बाबा श्याम का जन्म उत्सव होता है, तो आज यहाँ जन्म उत्सव मनाया गया है। छप्पन भोग का आयोजन था। बाबा हमारे जो गुरुदेव हैं नीतू दीदी, यहाँ पर हर मनोकामना पूरी होती है। उनके सानिध्य में हर शनिवार मंगलवार को यह दरबार लगता है, हर 11 को भजन संध्या होती है और प्रतिमा जो है ये बाबा श्याम की 11 के दिन ही यहाँ स्थापना हुई थी और बाबा का दरबार यह हर शनिवार रविवार लगता है। संकट दूर होते हैं यहाँ बाबा के सानिध्य में। ऋतु अग्रवाल, आज किस प्रकार का आयोजन किया गया है? आज यहाँ भैरुगढ़ क्षेत्र में पुल के वहाँ पे बाबा का दरबार लगता है। आज खाटू श्याम जी की भजन संध्या थी, बड़े पैमाने पे थी, बहुत भव्य पैमाने पे थी। दूर दूर के यात्री उन यहाँ पर आए और हर 11 पे यहाँ पे बाबा का भजन होता है और बहुत सारे यात्री उन आते हैं और यहाँ से हमेशा आशीर्वाद और खुश होकर ही जाते हैं। आपका शकुंतला अग्रवाल, ऋतु अग्रवाल। जय श्री श्याम। किस प्रकार का प्रोग्राम आयोजित किया गया है? आज यहाँ पे खाटू श्याम जी की भव्य भजन संध्या रखी गई है और साथ ही साथ यहाँ पे छप्पन भोग का अन्नकूट का भी आयोजन किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे सभी भक्तों के द्वारा बाबा का भव्य भजन संध्या के साथ साथ बाबा का श्रृंगार और छप्पन भोग का भी आयोजन किया गया है और साथ ही साथ बहुत दूर दूर से यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं बाबा की ज्योत लेने के लिए, बाबा का छप्पन भोग के लिए और बाबा के भव्य अन्नकूट का आयोजन महोत्सव में भाग लेने के लिए। आपका नाम? कुश अग्रवाल। जय श्री श्याम। किस प्रकार का प्रोग्राम आयोजित किया गया है? आज यहाँ पे खाटू श्याम जी की भव्य भजन संध्या रखी गई है और साथ ही साथ यहाँ पे छप्पन भोग का अन्नकूट का भी आयोजन किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे सभी भक्तों के द्वारा बाबा का भव्य भजन संध्या के साथ साथ बाबा का श्रृंगार और छप्पन भोग का भी आयोजन किया गया है और साथ ही साथ बहुत दूर दूर से यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं बाबा की ज्योत लेने के लिए, बाबा का छप्पन भोग के लिए और बाबा के भव्य अन्नकूट का आयोजन महोत्सव में भाग लेने के लिए। आपका नाम? कुश अग्रवाल। नमस्कार, मैं हूँ नीलेश मालवीय और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आज हम आए हुए हैं उज्जैन के भैरवगढ़ रोड स्थित श्री राम महल दरबार में। जी हाँ, कल था खाटू श्याम जी का जन्मदिवस जो कि पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। इसी उपलक्ष में यहाँ पर आप मेरे पीछे एक सुंदर सी प्रतिमा देख रहे हैं जिसका भव्य आकर्षक श्रृंगार किया गया है। आज यहाँ पर अन्नकूट का आयोजन किया गया और ये सब आयोजन किया गया है यहाँ पर अंजनी सखी नीतू दीदी बाबा साहब के सानिध्य में। साथ ही यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपने बड़े बड़े सिंगर देखे होंगे, भजन सम्राट देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे बालकों द्वारा एक भजन संध्या यहाँ पर आयोजित की गई है जिसमें कि भक्तों ने भारी संख्या में उपस्थित होकर मंत्रमुग्ध होकर यहाँ पर भजन संध्या का आनंद लिया है। साथ ही यहाँ पर अन्नकूट छप्पन भोग का भी आयोजन किया गया है। यहाँ पर हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि यहाँ पर पूरे देश विदेश से मंगलवार शनिवार को लोग आते हैं अपने संकटों का दुख का निवारण के लिए। आप देख रहे हैं उज्जैन से द खबरदार न्यूज के लिए नीलेश मालवीय की रिपोर्ट। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।